नमस्ते गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी रीडिंग आपको पसंद आती है, आपके साथ रेजोनेट करती है, तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, आज का सवाल हमारा टैरो से ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या इक्वेशन है, क्या उनके बीच में फिलहाल चल रहा है, क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में, क्या कुछ हो रहा है, ये देखने की हम कोशिश करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे तीन पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन में है ये येलो कलर का स्टोन, पाइल नंबर टू में रेड कलर का स्टोन है, एंड पाइल नंबर थ्री में ब्लू कलर का स्टोन है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। जो भी स्टोन आपको ज्यादा अट्रैक्ट करता है, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में गाइज, मैं आपको जोडियक साइंस, इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ हिंट्स भी दूंगी इस कनेक्शन से रिलेटेड। ठीक है गाइस, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर वन के साथ, जिन्होंने ये येलो कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है। ठीक, तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या इक्वेशन है फिलहाल, क्या करंट एनर्जी है उनके रिलेशनशिप की, और क्या मैसेजेस हो सकते हैं उनके आपके लिए। ओके, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स थर्ड पार्टी सिचुएशन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बैक ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी रिसेंटली आपके पार्टनर जो हैं, वो आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेने के बारे में नहीं, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं बेसिकली, अभी रिसेंटली नियर फ्यूचर में। फिलहाल उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये कुछ फेक प्रोमिसेस भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी ने डेलिब्रेटली क्रिएट करी हैं आपके पार्टनर को फूल बनाने के लिए, या उनका किसी तरीके से मिसयूज करने के लिए। तो ये डिल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं जो थर्ड पार्टी ने क्रिएट किए हैं आपके पार्टनर के, अपने आपके पार्टनर को एक तरीके से फंसाने के लिए, एंड वो अट्रैक्ट भी हो रहे हैं इन सब ऑफर्स की तरफ। ओके, मूवमेंट उनकी थर्ड पार्टी की तरफ ही है, उनका फोकस जो है वो फिलहाल थर्ड पार्टी की तरफ ही है। आपके टूवर्ड्स वो अप्रोच करने के लिए उनके माइंड में थॉट आता है, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो स्लो है, यानी कि वो सोचते हैं लेकिन अभी एक्शन नहीं लेने वाले हैं जल्दी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अभी वो इस चीज को टाइम दे रहे हैं, आपको अप्रोच करने में अभी वो टाइम लगाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ अभी उनका जो रिलेशनशिप है उसका फेज चल रहा है, एंड वो क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जी, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दे फील स्टक, उनको लगता है कि वो फंसे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो सिचुएशंस को, दो चीजों को वो जगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ उनको जाना है, किस पर्सन को सिलेक्ट करना है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो ये कंफ्यूजन है उनके माइंड में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं किसी इवेंट के होने का, मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होने का वेट कर रहे हैं।
तो ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जो राशियाँ गाइस यहाँ पे हो सकती हैं पाइल नंबर वन के लिए, वो हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, और क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी बात चल रही है तो थर्ड पार्टी की भी ये राशि हो सकती है, या आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, बर्थ चार्ट में भी ये जो जोडियक साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। और क्या हिंट्स हो सकते हैं? कोई हिडन मैसेज, कोई ऐसा इमोशन जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, या कोई बात जो उनके माइंड में आती है, या कोई ऐसा हिंट जो आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड हो जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। गाइज वो वेट कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ओवर हो, ठीक। और कई बार वो इस रिश्ते में कई चीजें जो हैं, अब थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है उसमें कई एक्शंस या कई डिसीजंस जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में लिए हैं। किसी एक तरफ वो हो जाना चाहते हैं, या तो वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं या वो थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। उनकी जो इंटेंशन है वो किसी को भी चीट करने की नहीं है, वो अपनी लाइफ में भी क्लैरिटी चाहते हैं और वो आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपका आया है वी विल मीट सून, तो जल्द ही मुलाकात होगी आपकी और आपके पार्टनर की, वो ऐसा सोचते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहां पर हो सकता है आपका और आपके पार्टनर का। यूनिवर्स मेड इट हैपन, यानी कि जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, जब आप लोग साथ में थे, तो मे बी वो टाइम जो था वो मुश्किल था, बट यूनिवर्स मेड इट हैपन, गॉड मेड इट हैपन, गॉड की ब्लेसिंग्स की वजह से, यूनिवर्स की वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो था या आप लोगों का एक साथ में होना पॉसिबल हो पाया था, ठीक। एनी अदर हिंट? ओके, यू आर माई सोल मेट। तो उनको ये चीज रियलाइज होती है जब वो थर्ड पार्टी के साथ है, तब भी उनको ये चीज रियलाइज होती है कि आप उनके सोलमेट हैं ना कि थर्ड पार्टी। ये उनका एक हिडन इमोशन है जो वो शायद कह नहीं पाए या इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए आपसे कन्फेस करने की। ये एक ऐसी बात है जो उनके माइंड में आती है, यू आर माय सोलमेट। टॉक्सिक टॉक्सिक टॉक्सिक, बट क्या है, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। वो स्टक है, यहाँ पे फंसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन जो है ये ओवर होगी, कब वो मूव ऑन कर पाएंगे, कब वो आपको अप्रोच कर पाएंगे। बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक तरीके से मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को चीट कर रही है। ओके, एक और कार्ड यहाँ पर आया है, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, मैं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ या एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। ये उनके इमोशन हैं जो वो कह नहीं पाते हैं, उनके हिडन इमोशन हैं ये। तो आपकी जो कमी है या आपकी जो वैल्यू है, ये कह लीजिए आपकी जो वैल्यू है, वो उनको समझ में आ रही है थर्ड पार्टी के साथ रहने पर। क्या खोया है उन्होंने ये भी वो जानते हैं, एंड मे बी उनको ये भी कुछ हद तक समझ में आ रहा है कि जो प्रोमिसेज उनसे किए जा रहे हैं या जो ऑफर्स उनको दिए जा रहे हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, उनमें ज्यादा कुछ सच्चाई नहीं है, बहुत कुछ सच नहीं है उसमें, आधी से ज्यादा चीजें जो हैं उसमें फेक हैं, उनको फेक ऑफर्स मिल रहे हैं एंड उनको थोड़ा बहुत इस चीज का रियलाइजेशन है। तो वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सिचुएशन ओवर होगी, कब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होगी, कब वो आपको अप्रोच कर पाएंगे और इस कंफ्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। उनकी इक्वेशन क्या चल रही है फिलहाल थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में? थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत सारे फेक प्रोमिसेस कर रही है, उनको एक तरीके से फूल बनाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक। इमोशनल ब्लैकमेल भी हो सकता है या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है यहाँ पर इन्वॉल्व्ड। पाइल नंबर वन, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है और इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को। वो बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, माइंड में उनके थॉट्स आते हैं बहुत ज्यादा आपके टुवर्ड्स बढ़ने के लिए, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
किसी किसी सिनेरियो में कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, ठीक, यानी कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पैसे भी ले रही है, फाइनेंशियली उनको यूज किया जा रहा है, झूठे प्रॉमिसेस करके या गलत तरीके से उनको कह लीजिए इमोशनल ब्लैकमेल करके, ये चीज़ अभी उनके रिलेशनशिप में चल रही है, किसी तरीके से आपके पार्टनर का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है। ओके, ठीक, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? पाइल नंबर वन के लिए गाइडिंग मैसेज क्या है? यूनिवर्स आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं, गॉड आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं इस वक्त में? आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे आपको इस सिचुएशन को डील करना चाहिए, कैसे आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, सरेंडर टू द डिवाइन एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लुक एट द बिगर पिक्चर, बैक ऑफ द डेक, फुल मून इन सेजिटेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशियां मैंने बताई थी, ये हो सकती हैं आपके आपके पार्टनर की। ओके, सो टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा आप, मुझे लगता है कि अपने दिन का एक मेजर हिस्सा आप इसी सिचुएशन के बारे में सोचते हुए निकाल देते हैं और आप बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो चीज आपको नहीं करनी है। सरेंडर टू द डिवाइन, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं इस रिलेशनशिप को लेके, या जनरली अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी सारी टेंशन्स आप गॉड को दे दीजिए, गॉड के हाथों में छोड़ दीजिए ये सिचुएशन। जो भी आपके लिए अच्छा होगा वही आपके साथ होगा। अगर ये पर्सन आपके हैं और इनका और आपका मिलना लिखा है तो वो किसी भी हालत में होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो ये सब डेस्टिनी का और गॉड का प्लान है, गॉड ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ही सोचा होगा। सो आपके लिए ये गाइडिंग मैसेज है कि आपकी जो भी टेंशन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सरेंडर टू द डिवाइन, गॉड के हाथों में उन सारी प्रॉब्लम्स को आप छोड़ दीजिए और देखिए कैसे मिरेकल होता है आपकी लाइफ में, ठीक। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपके पार्टनर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए उनको अप्रोच करने की, उनसे बात करने की। अगर उनसे आपकी बात होती है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर वो और वक्त चाहते हैं तो उनको और वक्त दीजिए। अपनी सिचुएशन को आप गॉड के हाथों में छोड़ दीजिए, जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। आपको अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, ठीक। फाइल नंबर वन, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली है, कोई गाइडेंस मिली है, कोई पॉजिटिव मैसेज मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में कोई सजेशन है अगर आपके पास, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं पिकअप पाइल रीडिंग के लिए, तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर एक रीडिंग करके वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये रेड कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या है उनके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, क्या हिंट्स हो सकते हैं, क्या होगा आपके लिए गाइडिंग मैसेज इस सिचुएशन के रिगार्डिंग? ओके, पाइल नंबर टू, आपके और आपके पार्टनर, ओके, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या राशियां हो सकती हैं, क्या डेट्स हो सकती हैं? ओके, फर्स्ट कार्ड थ्री ऑफ कप्स, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स,
जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, थर्ड पार्टी की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है. टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है गाइज, आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की. एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर जो हैं इमोशनली अपने आप को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, थर्ड पार्टी से भी और आपके टूवर्ड्स भी इमोशनली वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं. फिलहाल बहुत ज्यादा प्यार में हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं आपके पार्टनर, और जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही हैं. जो वो कहते हैं या कहती हैं आपके पार्टनर को वो करना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है. फिलहाल उनके रिलेशनशिप में ये चल रहा है, वो परेशान हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है इस सिचुएशन को संभालना कैसे है, किस तरफ जाना है. पाइल नंबर वन में भी ये कार्ड आया था, टू ऑफ पेंटिकल्स का, तो कंफ्यूजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा. ठीक, इमोशनल हैं आपके पार्टनर जो भी हैं. कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं और उनके इमोशंस का यहाँ पे फायदा उठाया जा रहा है, उनके इमोशंस को यूज करके उनसे कुछ भी करवाया जा रहा है, उनसे अपनी हर बात मनवाई जा रही है, ये चीज यहाँ पर हो रही है. ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो मन ही मन इंतजार कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होने का, वेट कर रहे हैं वो भी. थ्री ऑफ वॉन्ड्स यानी कि वेट कर रहे हैं. नियर फ्यूचर में अपने आप को वो इतना ज्यादा मुझे लगता है परेशान हो जाएंगे इस सिचुएशन से या इस पर्सन से डील करते करते कि वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं होना है. आपके टूवर्ड्स वो एक्शन लेना चाहेंगे, ऐसे थॉट्स जो हैं फिलहाल उनके माइंड में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ऐसे थॉट्स उनके माइंड में आ सकते हैं. अब से लेकर लगा लीजिए 7 मंथ्स या 7 वीक्स हो सकते हैं जब उनके माइंड में ये थॉट्स आने शुरू होंगे कि उनको आपके टूवर्ड्स बढ़ना चाहिए और आपके साथ वो रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे. 7 वीक्स और 7 मंथ्स का टाइम हो सकता है, जुलाई का महीना भी हो सकता है गाइज. ओके, तो फिलहाल तो ये चल रहा है, आपके पार्टनर को इमोशनली यूज किया जा रहा है एंड आपके पार्टनर बहुत हद तक प्यार में है थर्ड पार्टी के साथ. उनके क्या हिडन इमोशंस हैं, क्या ऐसे हिंट्स हो सकते हैं जो वो कह नहीं पाते हैं या अभी तक उन्होंने आपसे कन्फेस नहीं किए हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जो उनके माइंड में आती हैं आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके माइंड में क्या चलता है. पाइल नंबर टू के लिए ओके, बेबी ऑन बोर्ड. आई बिलीव आप में से कुछ सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं, सिंगल मदर्स हो सकती हैं. गॉड हेल्प मी, परेशान है अगेन, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी नहीं है उनको, अपने ही इमोशंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं. स्टे विद मी ओके, तो ये उनकी जो फीलिंग है, क्योंकि उनको इमोशनली यूज किया जा रहा है, ये उनकी फीलिंग हो सकती है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत हद तक थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड है, नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी उनको छोड़े, बट परेशान भी हैं, चाहते हैं कि ये जो कंट्रोलिंग जो चल रही है यहाँ पे, उनको जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, ये सिचुएशन एंड हो. यू आर माई सोलमेट, तो ये चीज जो है उनको रियलाइज होती है कि आप उनके सोलमेट हैं. आई एम क्लोजर देन यू थिंक, आप जितना सोचते हैं मैं उससे कहीं ज्यादा करीब हूं आपके. उनका ये कोई हिडन इमोशन हो सकता है या ये कोई ऐसी बात है जो उनके माइंड में आती है, उनको महसूस होती है लेकिन वो कह नहीं पाते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि वो थर्ड पार्टी से भी अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं. एज गैप हो सकता है आप में,
या आपके पार्टनर में, आप दोनों में हो सकता है, या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में एज गैप हो सकता है। तो ये एक तरीके का हिंट है आपके लिए। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो हो सकता है कि ये रीडिंग जो है आपके लिए है। ओके ठीक। आई बिलीव आपके जो पार्टनर हैं बहुत जल्दी वो मूव ऑन भी कर लेते हैं, इमोशनल बहुत हैं, इमोशंस उनके एकदम एक्सट्रीम में चले जाते हैं। अगर वो किसी से प्यार करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, और अगर प्यार नहीं करेंगे तो उनके इमोशंस एकदम निल हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक। आपके लिए इस सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या है गाइडिंग मैसेज यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से? गाइज, नियर फ्यूचर में आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट आ सकता है कि वो आपको अप्रोच करें, क्योंकि वो परेशान है, कंट्रोल, ये जो थर्ड पार्टी है उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही है, उनके इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। ओके, गाइडिंग मैसेज या मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स आपके लिए आया है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लीब्रा। अगेन, लीब्रा राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट आपके लिए ये मैसेज है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये ओवर होगी, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे और इस टॉक्सिक सिचुएशन से वो बाहर निकल पाएंगे। होल्ड योर विजन। आपने इस रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, आप अपनी जगह पर ठीक हैं, और आप जैसा सोचते हैं आपकी सोच भी ठीक है, आपने कुछ भी, आपका जो कर्मा है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो गलत नहीं है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये कन्फर्मेशन है। अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है आपको। आपके लिए एक और मैसेज यहाँ पे आया है, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, या थर्ड पार्टी की। लुक एट द बिगर पिक्चर, फिलहाल एक छोटे से फेज को, या अभी के टाइम को, या एक दो महीने के टाइम को आप कंसिडर मत कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक, पॉजिटिव रहना है गाइज, मैं हमेशा यही कहती हूँ, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, भले ही आप सेपरेशन में हो, डाइवोर्स हो चुका हो, या बिल्कुल ही होपलेस हो आपकी कंडीशन, आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगी, तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करिएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये कन्फर्मेशन है, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यानी कि आपके पार्टनर वापस जरूर आएंगे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये ओवर जरूर होगी, एंड ये जो कंट्रोलिंग चल रही है यहाँ पे, जिस तरीके से थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के इमोशंस का फायदा उठाकर उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ये सिचुएशन भी ओवर होगी। ओके, आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। आपके पार्टनर जो है इस हद तक परेशान है फिलहाल मेंटली, उनको रियलाइज भी होता है कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, गॉड हेल्प मी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करूं, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से मैं बाहर, ये उनकी फीलिंग्स हैं। ठीक, लोगों को वो खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जिनसे भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ जाते हैं, वो लोगों को खोना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन उनकी लाइफ में है जिनसे वो प्यार करते हैं या जिनकी वो केयर करते हैं, वो उनको छोड़ कर जाएं या उनसे अलग हो जाएं। तो ये फीलिंग है उनके माइंड में अभी थर्ड पार्टी को लेकर। ओके, कुछ हद तक ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो पेशेंस रखने वाले इंसान हैं, वो पेशेंस रखते हैं, वो आपके ये जो थर्ड पार्टी है उनको वक्त दे रहे हैं कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये सुधर जाए, या इनका बिहेवियर इनके टुवर्ड्स, आपके पार्टनर के टुवर्ड्स बदल जाए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ओवर होगी। जो इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे गाइज हो सकती हैं, वो हो सकती है 7 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, और जो मंथ्स हो सकते हैं वो हो सकता है जून का महीना,
फरवरी का महीना, मार्च का महीना और जुलाई का महीना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपके पार्टनर आपको कब तक अप्रोच करेंगे या कब तक ये सिचुएशन एंड होगी, तो अगेन टाइम कुछ 3 साल 2 साल इतना वक्त लग सकता है, या फिर अभी से लेकर लगा लीजिए अगले साल का जब जुलाई आएगा, जून या जुलाई आएगा, तब तक इस सिचुएशन में 2021 में जब जून जुलाई आएगा तब तक इस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे। फरवरी तक आई बिलीव आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो जाएगा कम्प्लीटली कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और अब वो मूव ऑन करने के लिए तैयार है। पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको इस रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप इसी रीडिंग से रिलेटेड कोई और रीडिंग भी चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उस पर रीडिंग करके आपको अपलोड करूंगी यूट्यूब पर ताकि आप देख पाएं। ओके, आगे बढ़ते हैं लास्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये ब्लू कलर का स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में फिलहाल क्या चल रहा है, कौन सी वो डेट्स हो सकती हैं, क्या वो हिंट्स हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, जोडियक साइंस क्या हो सकते हैं, गाइज अगर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्स, Four of Swords, Five of Wands, Nine of Wands, Seven of Pentacles and Three of Cups. Again, third party situation से related reading है। तीन piles मैंने रखी थी और तीनों के तीनों piles में Three of Cups आया है, third party situation। Okay, third party की involvement काफी ज्यादा है, अभी भी है, future में भी रहने वाली है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट जो है रहने वाली है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, काफी ज्यादा उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की पर्सनैलिटीज जो हैं वो बहुत अलग हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। रिसेंटली भी आई बिलीव अभी एक दो दिन पहले या आज ही के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो सितंबर में अपलोड कर रही हूँ, आप जब भी ये वीडियो देखते हैं तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है इस महीने, आज के दिन, इस हफ्ते, रिसेंटली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का कुछ क्लैश हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है उनके बीच में। ठीक, आपके पार्टनर जो है लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, फिर भी इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके कोई लॉयल फ्रेंड है या उनके कोई सिबलिंग है, कोई ऐसे हैं जो उनका भला चाहते हैं, वो उनको वार्न करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, बट आपके पार्टनर जानबूझ के जैसे खाई की तरफ जाता है इंसान, सारे रेड फ्लैग्स को, सारे सिग्नल्स को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फ्यूचर इनके रिलेशनशिप का बहुत अच्छा नहीं है। अंदर से मैं कहूंगी आपके पार्टनर खुश भी नहीं है, जस्ट आई बिलीव के लोगों को दिखाने के लिए वो इस रिलेशनशिप में है, या तो अपनी फैमिली में इमेज बनाए रखने के लिए, सोसाइटी में इमेज बनाए रखने के लिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के सामने अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए वो इस रिलेशनशिप में है, लेकिन इस रिलेशनशिप में इमोशनल डेप्थ नहीं है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें कोई डेप्थ नहीं है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है यहाँ पे।
मनी से रिलेटेड भी ये कोई सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं या उनसे फाइनेंशियली सपोर्ट ले रही हैं, यानी कि मनी का लेन देन जो है वो यहाँ पर है, अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जो है वो नियर फ्यूचर में भी है, अब से लेकर लगा लीजिए मार्च का महीना हो सकता है, अगले साल तक का जब तक ये सिचुएशन चलने वाली है, अगले 9 महीने लगा लीजिए, जून तक का महीना हो सकता है, जून तक मान लीजिए ये सिचुएशन जो है चलने वाली है। ठीक, तो बहुत टाइम मुझे लगता है आपके पार्टनर को लगेगा अपने इमोशंस को समझने के लिए या थर्ड पार्टी की इंटेंशंस को समझने के लिए उनको टाइम लगेगा। फिलहाल वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, उनकी हिडन जो इमोशंस हैं आपके लिए या कोई हिंट उनके लुक्स से रिलेटेड या कोई ऐसी बात जो उनके माइंड में आती है आपको लेकर, वो क्या हो सकती है। You are a beautiful person. Okay. So ये thought आपके partner के mind में आता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक खूबसूरत इंसान हैं, आप एक अच्छे person हैं। You know me from a long time. आप अपने partner को जिनको mind में रख के इस वक्त आप ये reading देख रहे हैं, आप उनको काफी लंबे समय से जानते हैं। हो सकता है कि आपने काफी लंबा time हो जब आप लोगों ने एक साथ relationship में हो या मैरिड हो काफी लंबे टाइम तक, लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो, म्यूजिक से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, आपका रिलेशनशिप में म्यूजिक के कुछ वैल्यू हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग की कोई वैल्यू हो सकती है, कोई ऐसा सॉन्ग हो जो उन्होंने आपको डेडिकेट किया हो, तो ये एक साइन है यहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड कुछ है। हो सकता है कि वो इस प्रोफेशन में हो, म्यूजिक से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो, जर्नलिस्ट हो या मॉडल हो या बेसिकली कोई भी और प्रोफेशन जो कि मीडिया से रिलेटेड है। आई बिलीव ट्रैवलर भी हो सकते हैं, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आपके जो पार्टनर हैं उनको सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं, अब मैंने ये डिसीजन ले लिया है तो अब तो मुझे इस रिश्ते में रहना ही पड़ेगा, गॉड हेल्प मी। हेल्प मांगते हैं वो गॉड से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बनी हुई है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। इस सिचुएशन से निकलने के लिए या ये सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, इस चीज को वो चाहते हैं, गॉड से हेल्प मांगते हैं। और क्या हिंट हो सकता है यहाँ पे पाइल नंबर 3 के लिए। इट इज नॉट इन अवर डेस्टिनी, हमारी किस्मत में नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ओके, जैसा मैंने बताया अभी भी है, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी चांस है उनके बने रहने का इस रिलेशनशिप में। हो गॉड, ओके, क्वाइट हैवी। इट इज नॉट इन अवर डेस्टिनी, तो ये या तो आपके पार्टनर को फील होता है या ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है, आपके इमोशन भी हो सकते हैं गाइज। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये शायद ये रिश्ता ही हमारी किस्मत में नहीं है या हमारा साथ में रहना ही हमारी किस्मत में नहीं है, ऐसी इमोशनल थॉट, ऐसी फीलिंग जो है आपको आ सकती है या आपके पार्टनर को आती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली स्टक हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए। लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं वो, सोसाइटी में जो उनकी रिस्पेक्ट है या जो उनकी इमेज है वो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। अगेन मनी से रिलेटेड यहाँ पे
एक कार्ड आया है तो मनी या तो आपकी जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी को मनी से सपोर्ट कर रहे हैं या उनसे सपोर्ट ले रहे हैं, तो मनी का लेन देन भी है यहाँ पे। ठीक, क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अभी करंट टाइम में, उनके जो थॉट्स हैं एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं, खुश नहीं हैं। रिसेंटली बातचीत भी हो सकता है कि उनकी बातचीत भी बंद हो। पाइल नंबर 3, आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से इस सिचुएशन के रिगार्डिंग? यूनिवर्स आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं फिलहाल, आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में खुशियां बनाए रखने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको क्या एक्शन लेना है, आपको अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? इमोशंस आर रनिंग हाई, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपके पार्टनर की एनर्जी या इमोशंस जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब गॉड के हाथ में छोड़ दीजिए। अपने आप वो आपके पार्टनर को फ्री कराएंगे इन सब टेंशन से और इन सब अननेसेसरी बर्डन से, एंड आपकी प्रॉब्लम भी गॉड ही सॉल्व करेंगे। आपको जरूरत है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा शांत रखें। सिर्फ आपको इमोशनली नहीं सोचना है, थोड़ा अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखनी है, दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ हमेशा अपने दिल से सोचते रहेंगे तो हमेशा धोखा ही खाएंगे, तो कभी कभी अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करते हुए या अपने इंट्यूशन की बात मानते हुए प्रैक्टिकली भी आपको कभी कभी सोचना चाहिए। ये आपके लिए एडवाइस है, इंडिविजुअल एडवाइस आपके लिए। पाइल नंबर 3, गाइस राशियां जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है एरीज लियो सेजिटेरियस राशि, जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस राशि। ओके, ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की। डेट्स जो यहाँ पे हो सकती है वो हो सकती है 4 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख और 9 तारीख। और जो मंथ्स यहाँ पे हो सकते हैं वो हो सकता है अप्रैल, मई, मार्च, जुलाई एंड सितंबर। तो ये मंथ्स और डेट हो सकता है कि आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए किसी तरीके की इम्पोर्टेंस रखते हों, या पास्ट में या फ्यूचर में इन डेट्स में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट जो है वो होने वाला है। तो आप चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए इन डेट्स को और इन मंथ्स को नोट भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ उससे कुछ बेनिफिट मिले। ठीक, तो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आप और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड या किसी और सिचुएशन से रिलेटेड, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिफिकेशन मिलती है तो प्लीज मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड टेक केयर।